Prime Minister Vajpayee joins us on NDTV. Thank you very much, Mr. Vajpayee, for joining us. क्रिकेट से शुरू करते हैं, क्योंकि केवल चुनाव का माहौल नहीं है, क्रिकेट का भी है. क्या आपको लगता है वाजपेयी जी कहीं ना कहीं जो क्रिकेटर होते हैं वो अपने रिकॉर्ड हमेशा ध्यान में रखते हैं, कितने सेंचुरीज बनाए, कितने डबल सेंचुरीज, कितने विकेट्स, कितने चुनाव वाजपेयी जी जीते हैं, क्या आप ध्यान में रखते हैं? अलग अलग गिनती करना तो मुश्किल है, लेकिन 57 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और जब लोकसभा में हार जाता हूँ तो राज्यसभा में चला जाता हूँ. अब आप उसको हार समझेंगे या जीत समझेंगे, मैं नहीं जानता. लेकिन वो जो 57 का जो चुनाव है, जो जब पहली बार आप जीते बलरामपुर से, अभी भी याद आपकी वो ताज़ा है? हाँ, पूरी तरह अच्छी तरह याद है. हमारे पास दो जीपें थी, एक पार्टी ने ली थी, एक किराए पर ली थी, और कोई साधन नहीं था. कार्यकर्ता जरूर थे. जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन मेरी जीप कहीं जंगल में खराब हो गई, तो मतदान की समाप्ति पर मैं पहुंच नहीं सका, लेकिन मैं चुनाव जीत गया. तब तो दो ही जीप थे, आज तो गाड़ी पर गाड़ी है आपके साथ. हाँ, आपने कभी सोचा था 57 में कि 2004 में वाजपेयी जी एक बार फिर लोगों के सामने रहेंगे, चौथी बार आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं बने? कभी आपने ऐसा सोचा था? नहीं, वो चौथी बार बनना कोई बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है. परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें बन गए, लेकिन चार बार बने और पांच साल के लिए बने ऐसा तो नहीं हुआ. पर आपने कभी सोचा था कि आप पब्लिक लाइफ में इतने साल रहेंगे, इतना आपका यू विल हैव सच अ बिग इमेज इन पब्लिक लाइफ? डिड यू एवर थिंक अबाउट इट इन 57? कभी नहीं सोचा था. इतना जरूर सोचा था कि मैं अच्छा साहित्यकार बनूंगा, और मैं मेरी कविताएं पढ़ी जाएंगी. यानी अब भी आप पहले साहित्यकार और कवि बनना चाहते हैं, उसके बाद ही नेता बनना चाहते हैं? ये बात सही है. ये बताएं, लेकिन ये जो चुनाव है, ये लोग कहते हैं इट इज अबाउट फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग. क्या आप वाकई मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, इंडिया शाइनिंग, भारत को कहां लेकर जाना है 2020 में, 2025 में? क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? ये बात सच है कि इस चुनाव में देश का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है. आर्थिक स्थिति में जब से सुधार हुआ है तब से यह आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है. समस्याएं हल करने में हमें सफलता मिल रही है. ऐसी समस्याएं जिनको हल करना मुश्किल जान पड़ता था, उसके कारण भी वातावरण सुधरा है. लेकिन और फसल बहुत अच्छी हुई है, बरसात ने हमारा साथ दिया है, इसका भी योगदान है. लेकिन वाजपेयी जी, कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक हादसा हुआ जिसमें महिलाएं 50 रुपए की साड़ी के लिए भागदौड़ में 21 महिलाएं मरती हैं. क्या आपको लगता है इससे ये जो फील गुड फैक्टर है, इस पर कोई असर होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश में 50 रुपए के साड़ी के लिए लोग भागते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फील गुड नहीं? ये दृश्य तो बहुत ही द्रवित करने वाला है, ऐसा होना नहीं चाहिए था. वो एक दुर्घटना थी. इतनी बड़ी संख्या में साड़ियां लेने के लिए महिलाएं इकट्ठी हो गई, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है. इससे इंडिया शाइनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता? आपको लगता है कि हम कहते हैं इंडिया शाइनिंग, भारत उदय? नहीं, असर इतना ही पड़ता है कि भारत के कई पहलू हैं, कुछ चमकते हैं और कुछ अंधेरे में गुम हैं. क्या हम इस समय सिर्फ चमक देख रहे हैं, अंधेरे को देख नहीं रहे हैं? मगर जब ये झटका लगा जिसने हमें कहा कि नहीं, खाली चमक देखने से काम नहीं चलेगा, दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा. लेकिन वाजपेयी जी, लोगों को लगता है कि ये जिस प्रकार से
अब चुनाव होते जा रहे हैं उसमें ज्यादा हाइप होती है। आपने कहा आपने पहले चुनाव जो लड़े केवल दो जीप से लड़े, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे हमारी जो राजनीति है उस पर भी असर पड़ा है कि हम राजनीति बहुत खतरनाक स्थिति की ओर जा रही है। जनतंत्र धन तंत्र में बदल रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी जिसके पास पैसा हो वही चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, वही जीत करा सकता है। ये बात अलग है कि अभी भी चुनाव पैसा में पैसा देने वाले अपनी नीतियों पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। मैं ज़्यादा जोर का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है और ये आगे जाकर देश के लिए एक अभिशाप होगा। आपने कहा कि कुछ जगहों में अंधेरा है, कहीं इंडिया शाइनिंग है, कि आपको कुछ लोग कहते हैं कि केवल अर्बन एरियाज में चमक है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अंधेरा है। नहीं, सारे ग्रामीण क्षेत्र को भी एक डोरी से बांध देना ठीक नहीं होगा। गांव में भी जिसके पास जमीन है, जिसने सिंचाई का प्रबंध कर लिया है, वो खुशहाल है। ऐसे लोग सारे देश में फैले हुए हैं। इसके बावजूद कि आपने जैसे कहा कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें गिरावट एक प्रकार से आई है, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग है, क्या लोगों की वजह से इंडिया शाइनिंग है या कि नेताओं की वजह से इंडिया शाइनिंग है इस समय? नहीं नहीं, दोनों बातें हैं। अब फसल अच्छी हो गई, अन्न के भंडार भरे हैं, अब इसके लिए किसान शाइनिंग है या नहीं, किसान की वजह से शाइनिंग है या नहीं। वाजपेयी जी, ये मुझे बताइए कि इस चुनाव में आपने कहा कि एक गिरावट हुई है एक प्रकार से राजनीतिक स्तर में, इस चुनाव में आपने देखा है कि पर्सनल अटैक्स बढ़ गए हैं। आपने कहा था कि डिबेट जो होना चाहिए वो डिग्निफाइड डिबेट होना चाहिए, कुछ स्तर होनी चाहिए डिबेट की, इसके बावजूद पर्सनल अटैक्स होते रहते हैं, तो क्या मतलब रह गया फिर? पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए, सब बात सब लोग मानते हैं, मगर होते हैं ये भी बात मानते हैं। मैं तो जब से चुनाव लड़ रहा हूँ तब से 1942 मेरे साथ लगा हुआ है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि 1942 में मेरी कोई ऐसी भूमिका नहीं थी जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कैसे लगता है जब लोग 1942 आपके नाम पर इवन दे अटैक यू ऑन 1942, हाउ डू यू फील? मुझे पीड़ा होती है। तो क्या आपको लगता है उसी से जब कोई दूसरों पर पर्सनल अटैक करे, जैसे सोनिया गांधी का जो फॉरेन ओरिजिन मुद्दा उठा है इस चुनाव में, नरेंद्र मोदी ने कुछ उनके खिलाफ कहा, विनय कटियार ने उनके खिलाफ कहा, क्या आपको लगता है वो उन्होंने गलत कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, पर आपके कहने के बावजूद वो कहते हैं, तो उसमें क्या आपको नहीं कहीं लगता कि चुनाव की जो चुनावी प्रचार है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर होता है, बुरा असर होता है? ये बात सच है, मना करने के बाद भी वो बातें दोहराई जाती हैं, ये और खेदजनक है। लेकिन आपने भी खुद कहा है थाने की एक रैली में कि ये जो फॉरेन ओरिजिन्स का इश्यू है इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर पॉलिटिकल डिबेट होना चाहिए, तो एक प्रकार से आप भी उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि होना चाहिए डिबेट? लेजिटिमाइज करने का सवाल नहीं है, ये मुद्दा तो बन गया है, अब उसको विवाद का विषय बनाकर हल करने का रास्ता निकाला जाए वो बात अलग है, लेकिन वो सोनिया जी के साथ जुड़ गया ये और भी दुर्भाग्य की बात है। वो तो आप ही के पार्टी ने तो जोड़ा है, हमारी पार्टी ने नहीं जोड़ा, वो सचमुच में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जोड़ा है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस उस समय इसको इशू न बनाती और इसको इशू बनाकर अगर वो तो पार्टी से टूटते नहीं तो ये इशू इतना बड़ा कभी नहीं बनता। पर क्या आप लेजिस्लेशन लाएंगे? अगर आपकी आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आप लेजिस्लेशन लाएंगे कि पीपल इन हाई ऑफिसेस who are of foreign origins cannot, people of foreign origin cannot hold high office, will you bring such a legislation? नहीं, हम लाएंगे और अगर बहुमत का समर्थन मिल गया तो वो पास हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदारी से अनुभव करते हैं कि जब तक इस सवाल पर बहस न हो जाए तब तक कोई लाने और न लाने की बात नहीं होना चाहिए। एक बताइए
लेट अस कम टू योर टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आप जैसे कह रहे हैं, व्हाट वुड यू से हैज बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट एज प्राइम मिनिस्टर? सबसे बड़ी उपलब्धि इतने ये जो 6 साल हुए हैं, आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? योर बिगेस्ट अचीवमेंट? मेरे लिए तय करना मुश्किल है। मैं आपसे एक दो पूछता हूं। पाकिस्तान के साथ अमन चैन जो आपने लाया, जिस प्रकार से आपने जो पहल की, क्या आप समझते हैं ये एक परमानेंट प्रोसेस है अब पाकिस्तान के साथ? नहीं, अगर ये परमानेंट प्रोसेस बन जाती है तब मैं उसे अपना अचीवमेंट मानूंगा। क्या ये आपका लक्ष्य एक प्रकार से है कि एक प्रकार से जब भी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ? नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, सभी पड़ोसी देशों के साथ। और अब अच्छे वक्त विकसित करने का समय आ गया है। इसमें आपने क्रिकेट को भी जोड़ दिया। वॉज दिस अ पर्सनल डिसीजन कि क्रिकेट खेलना चाहिए दोनों देशों के बीच में? क्या क्योंकि प्रेशर बहुत होगा आप पर कि मत खेलिए? नहीं नहीं नहीं, मगर क्रिकेट खेलने का सुझाव सबसे पहले मुशर्रफ की तरफ से आया था। पर क्या आपको लगता है कि जो समस्या है भारत पाकिस्तान की, वो हल हो सकती है? खास करके जो कश्मीर का मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि हल हो सकता है? ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुश्किल है। पाकिस्तान में भी ये अनुभूति बढ़ रही है कि कश्मीर के लिए कब तक लड़ाई चलेगी। और आपको लगता है बदलाव आ रहा है दोनों देशों में? उनके यहाँ भी लोगों की मनोदशा बदल रही है। क्या हम विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तानी लीडरशिप में कि वो बदलाव लाएंगे? क्योंकि मुशर्रफ बार बार कहते हैं कश्मीर कोर इश्यू है। नहीं, उनकी उनकी तो मजबूरी है। टॉकिंग हेड्स विद जो 5 साल हुए, एक फेलियर बार बार आता है गुजरात। कहते हैं वाजपेयी जी ने कहा नरेंद्र मोदी से राजधर्म निभाओ, इसके बावजूद बेस्ट बेकरी जैसा जजमेंट आता कि लोगों को इंसाफ नहीं मिला। क्या मानते हैं ये आपकी वीकनेस थी? आपने ये सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा किया। जब मैंने गुजरात का हत्याकांड देखा पहली दफा, तो मैंने उसकी निंदा की थी। मैं कैंप में गया था, मेरा भाषण मौजूद है। लेकिन तब तक मैंने जो हिंदू जिंदा जलाए गए थे उसकी तस्वीर नहीं देखी थी। इसलिए जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हिंदू जलाए न जाते तो बाद में जो हत्याकांड हुआ वो नहीं होता। लेकिन इंसाफ का जो सवाल आता है, आम आदमी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है? मैं मानता हूँ। तो अब सर्वोच्च न्यायालय कुछ कदम उठा रहा है, उम्मीद करना चाहिए कि वो सही साबित होंगे। लेकिन आपके क्रिटिक्स जो है हमेशा कहते हैं वाजपेयी जी एक चीज अहमदाबाद में कहेंगे, दूसरी चीज नहीं। अब मैं आपकी मैं सबसे बड़ी नहीं नहीं, ये तो मेरे बारे में आलोचना कई सालों से हुई। क्या आप मानते हैं आप एक चीज गुजरात में कह गए, दूसरी चीज गोवा में कह गए? ऐसा नहीं है। गुजरात में जब मैंने देखा तब तक मुझे पता नहीं था कि इस तरह से हिंदू जिंदा जलाए गए। और इसलिए जब मैं गोवा पहुंचा तो पहली दफ़ा वो मुझे वो बात मेरे सामने लाई गई। पहले मैं नहीं समझ मैं समझता था कि दंगा हुआ है, कोई हिंदू मुस्लिम मरे हैं। लेकिन जिस तरह से जिंदा जलाए गए हैं, जब वो तस्वीर मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। लेकिन फिर भी उसका जवाब ये नहीं था कि मुसलमानों को मारा जाता। बट कुड यू हैव डन मोर विद द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? यू आर द प्राइम मिनिस्टर, डू यू थिंक यू कुड हैव बीन टफर? थोड़े जो कठोर प्राइम जो निर्णय लेने पड़ते हैं आप सभी नहीं लेते। भाई पार्टी में सवाल आया था और पार्टी को एक फैसला करना पड़ा, पार्टी दूसरा फैसला नहीं कर सकती थी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार एक बार कही जाती है कि वाजपेयी जी व्हेन इट कम्स टू टफ डिसीजंस ट्राइज टू टेक द मिडिल पाथ। कि जैसे अयोध्या के मुद्दे पर एक तरफ VHP आप पर दबाव डाल रही है, दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर है एक अलायंस के, तो उस स्थिति में क्या होता है? डू यू समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल दोज इश्यूज? हाँ हाँ, उसमें समझौता करना पड़ता है और उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। क्या आपने अक्सर समझौता किया है? क्या ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है
या आप समझते हैं आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप कंसेंशुअल पॉलिटिशियन है, इसलिए लोगों को साथ ले जा नहीं, नहीं लोगों को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, वरना आप इतने विशाल और विविधता से पूर्ण देश में कुछ कर नहीं सकते। बट इज दैट योर बिगेस्ट डिफिकल्टी रनिंग एन अलायंस गवर्नमेंट, जिसमें एक तरफ जैसे मैंने कहा वीएचपी कहती है कि वाजपेयी निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है। अलायंस नहीं, वो मजबूरी है आरएसएस के साथ जुड़े होने की। तो जब वीएचपी आपको अटैक करती है तब आपको कैसे लगता है? जब वीएचपी अटैक करती है कहती है वाजपेयी जी ने मंदिर का मसला सुलझाया नहीं। नहीं नहीं, मंदिर का मसला सुलझाना मेरे जिम्मे नहीं था, वो मेरे विषयों में नहीं था। मंदिर का मसला सुलझ सकता था, अभी भी मुझे लगता है सुलझाया जा सकता है, और मैं इस मत का था और मैंने अपना मत लोगों के सामने रखा था कि अयोध्या तो टूट गया, मंदिर टूट गया, लेकिन काशी और मथुरा को मानकर कि इनको छुआ नहीं जाएगा, समझौते का रास्ता निकाल सकते हैं। फिर भी मुझे भरोसा नहीं है कि मुसलमानों के सब वर्ग इसको स्वीकार कर लेते। आपने आज कहा है कि पाकिस्तान के साथ आपको थोड़ा भरोसा है कि अमन हो सकता है, क्या अयोध्या का मसला भी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बने? नहीं, मेरे प्रधानमंत्री बनने से नहीं होगा, ये तो साधु संतों को समझ में आएगा और उसमें और हिंदू संगठनों को जब सहयोग मिलेगा तो ये मसला तय हो सकता है। पर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बने इसी प्रकार के गठबंधन की? आपकी प्राथमिकता तो कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान हो जाए। आई वॉन्ट यू इन दिस लास्ट सेक्शन टू लुक एट द न्यू जनरेशन, क्योंकि भारत जो है युवा पीढ़ी जो है 35 साल के नीचे, उनके लिए बताइए। आपने कहा कि पब्लिक लाइफ गिर गया है, अच्छे लोग नहीं आते आज पब्लिक लाइफ में, जब आप गए थे पब्लिक लाइफ में और आज पब्लिक लाइफ में बहुत फर्क अंतर पड़ गया है, आप उनको क्या दिशा देंगे जो यंग है? व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? वुड यू एनकरेज देम टू एंटर पब्लिक लाइफ? क्या आप समझते हैं उन्होंने आना चाहिए पब्लिक लाइफ में? जरूर आना चाहिए और कुछ सिद्धांतों को लेकर आना चाहिए, उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उनकी कीमत चुकाना पड़े तो चुकाना चाहिए। अब हर एक व्यक्ति किसकी कितनी कीमत चुका सकता है ये तो उस पर निर्भर करता है। बट इज दैट पॉसिबल इन अलायंस पॉलिटिक्स? वी हैव सीन अपॉर्चुनिज्म, लोग मौका उठा के कभी आपकी सरकार में आते हैं कभी बाहर चले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी बहुत सिनिकल हो गया है, उदासीन हो गया है पॉलिटिक्स को देख के? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अभी भी लोग आदर्श के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है इतने साल जब आप पॉलिटिक्स में रहे कभी आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? आपके जो आदर्श थे जिससे आप पॉलिटिक्स में आए, क्या आपने कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ा है कभी कभी? नहीं, राजनीति में तो कदम कदम पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कौन सी कीमत देकर हुआ है ये महत्व का सवाल है। आपको जीवन के मूल्य हैं जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपके लिए सबसे बड़े सिद्धांत क्या रहे हैं जब आप पब्लिक लाइफ में आए हैं? आपके सबसे बड़े सिद्धांत जो आप समझते हैं, आप आज भी आप अपने आदर्श सिद्धांत क्या समझते हैं? प्रामाणिकता ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। लेकिन अगर आप इर्द गिर्द आपके देखते हैं कि आपके जो नजदीकी लोग हैं कभी कभी आपके मंत्री हैं, हाँ तो आपके टेन्योर में तहलका हुआ, दिलीप सिंह जुदेव जैसा एपिसोड हुआ, क्या आपको लगता है? नहीं, ये आप मानकर चल रहे हैं कि तहलका में हमारे पास हमारे साथ जो मंत्री थे वो दोषी हैं, उनका दोष अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। पर दिलीप सिंह जुदेव जैसे हादसे होते, दिलीप सिंह जुदेव जैसे व्यक्ति, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं भी उन लोगों में से था जिन्होंने कहा कि इनको फिर से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रित नहीं करना चाहिए। तो आप समझते हैं ये एक रूल होनी चाहिए, एनीबॉडी हु हैज गॉट अ क्रिमिनल चार्ज शीट शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन? अगर मेरी चले तो मैं ऐसा नियम बनाने के पक्ष में हूँ और नियम बना देता, लेकिन मुझे पार्टी चलानी है और पार्टी वर्तमान वातावरण में चलानी है, इसलिए इस संबंध में जो कड़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। एनी अदर लेजिस्लेशन यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन, वेदर इट इज विमेंस रिजर्वेशन, कोई बड़ा लेजिस्लेशन जो आप लाना चाहेंगे जब अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बने, जो आपको लगता है टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होना चाहिए? हाँ, तो महिलाओं के लिए आरक्षण का विधेयक आएगा और पास होगा, ये 5 साल पहले भी आपने कहा था। हमें उस समय में मेरे ध्यान में 33% की बात थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20% पर या 25% पर अगर कांग्रेस पार्टी मान लेगी, और उस समय मुलायम सिंह मानने के लिए तैयार थे लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वीकार नहीं किया, वो अड़ी हुई थी अपनी बात पर।
आखिरी का सवाल, आपने आज भी कहा कि जब भी क्रिकेट पर एक बार फिर आते हैं, क्रिकेटर जो होता है, तेंदुलकर हो या राहुल द्रविड़ हो, कहीं ना कहीं एक दिन बहुत चौके छक्के मारने के बाद रिटायर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, क्या आप उसी क्रिकेटर की तरह एक दिन रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप कभी समझते बहुत हो गया, बहुत चुनाव लड़ लिए? ये तो मेरा आखिरी चुनाव है ऐसा मैं समझता हूँ। ये आखिरी चुनाव है, क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी टू टेक ओवर फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी? बीजेपी में है, लोग बार बार नाम निकालते हैं, मैं एंड में कह रहा हूँ एल के अडवाणी आपके बाद होंगे प्रधानमंत्री, क्या इस तरह की बात है? क्या कोई सक्सेशन लाइन है आपके दिमाग में जो आप चाहेंगे? नहीं, पार्टी में इस सवाल पर भी आम सहमति है कि मेरे हटने के बाद क्या होगा। तो आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं वहाँ? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप 80 साल के होंगे इस साल? अभी गाँव हूँ। होंगे क्या करना चाहेंगे वाजपेयी जी, अगर अगर आप सोच ले तेंदुलकर और द्रविड़ की तरह एक दिन के रिटायर होना है, क्या करना चाहिए? वही साहित्यकार, वही कवि बनना चाहेंगे एक बार फिर? ये बात सच है, मैं फिर लेखन की दुनिया में वापस जाना चाहूंगा। कैन आई आस्क यू एट द एंड टू गिव योर फेवरेट पोएम एट द मोमेंट? आप चुनाव में जा रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अगर आप लोगों के सामने? कविता, कोई साहित्य, कोई कविता है जो आप लोगों के सामने कहना चाहेंगे इस चुनाव में, इस चुनाव के लिए? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।